यूरोपियन T10 कवर करने के लिए क्यों आया हूं, क्योंकि इसमें GL आने की संभावना बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है। हालांकि कुछ दिनों से लक उतना खास नहीं चल रहा जितना चलना चाहिए, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, लक वापसी भी आएगा। तो मेरे भाई इस मुकाबले में GL आने के चांस है। मात्र 2 मिनट में आपको GL का इतना शानदार कॉम्बिनेशन बताऊंगा, बस एक्सपेरिमेंट ना हो। वैसे देखा जाए लास्ट मैच में जो मैं खेला था उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ जहां तक मैंने देखा। हालांकि कैच तो ड्रॉप होते रहते हैं, अब क्यों होते हैं, प्लेयर भी वैसा रहता है तो हर जगह हो जाता है, खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस एक्सपेरिमेंट से बचना है। तो मेरे भाई पहले इस मुकाबले को आप खेल रहे हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मेरे भाई जैसा कि आप हमारा इस प्रकार से वीडियो देख रहे हो, ये हो गया डिस्क्रिप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा, ये ब्लू कलर में सौरभ सामाजिक 84, इसी पर क्लिक कर देना है। या फिर इससे भी ज़्यादा आसान है मेरे भाई, कमेंट देख रहे हो, कमेंट पे ही क्लिक करना। फर्स्ट कमेंट यानी टॉप कमेंट पे ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा सौरभ सामाजिक 84 ब्लू कलर में, इसी पे क्लिक यानी टच करके हमारे टेलीग्राम चैनल ये 53.6K सब्सक्राइबर वाले पे आ जाओगे। देखो मेरे भाई ज़्यादा कुछ नहीं करना, देखो HUD की टीम जो है ना सॉलिड नजर आएगा। अब सॉलिड नजर क्या आएगा, देखो इनको पिक करना है 1, 2, 3, 4। अब देखो ओजाजाई यार होगा एक एन इकबाल, इन दोनों में से कोई एक गेंदबाजी करता है। जैसे यहाँ पर ओजाजाई गेंदबाजी किया तो अगले मुकाबले में एन इकबाल किया, भाई यहाँ पर थोड़ा सा लोचा है, यहाँ तक सही है। अब यहाँ से इनको भी पिक करेंगे, इनको भी पिक करेंगे। टिजुवक गेंदबाजी में ही आ गया, सईद अहमद भी गेंदबाजी में आ गया, इसराहिमी भी गेंदबाजी में आ गया। अब ओजाजाई को लास्ट मैच के आधार पर पिक करोगे तो ये भी गेंदबाजी में आ गया, यानी कि लगभग सारे गेंदबाज बल्लेबाज भी हो रहा है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगला मुकाबला हुआ क्या था, वो जो मैं सिर्फ लोचा बताया वो हुआ था, हुआ क्या था यहाँ से देखो, ये भी गेंदबाजी किया था लास्ट मुकाबले में, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, लेकिन वहाँ ओ जजाई किया, यहाँ पर एन इकबाल किया, यहाँ तक सही है। लेकिन ओ जजाई को पिक करने से एक लाभ है कि बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर ले, इनको भी पिक करेंगे, इनको भी पिक करेंगे, गेंदबाज 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 गेंदबाज, तो गेंदबाज में इतने सारे आ जाते हैं। अब ओ जजाई यहाँ से देखोगे तो ओ जजाई बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेता है, एन इकबाल भी करता है, लेकिन ओ जजाई बेहतर है। लेकिन इस मुकाबले में जो 2 ओवर करेगा वो बेहतर होना चाहिए, तब इन दोनों में थोड़ा सा सामंजस्य की स्थिति बनी रही। यही बात करेंगे मेरे भाई, MECC की टीम बहुत खराब प्रदर्शन करके आ रही थी, लेकिन इस मुकाबले में इन्होंने अच्छा कर दिखाया। क्यों अच्छा कर दिखाया, मैं जो मुकाबला कवर करूंगा उसमें कुछ अलग होता है, क्योंकि लक ही खराब है क्या बताएं। अब देखो यहाँ पर इनकी बल्लेबाजी में KC सीमा, बार बार मैं बोलता, ये एक बढ़िया बल्लेबाज है। इनके अलावा HC सिरजाद बढ़िया, KE सकीरुल्लाह की बात करें, देखो ये 14 रन जरूर बना लेकिन बल्लेबाजी इनको आते हैं, सारा का सारा एज लगा था, एक छक्का सही गया था। तो ये अफगान का खास बात है कि स्पिन गेंदबाजी करता है, ठीक ठाक टप्पे में डालता है, तो इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा। बाकी देखो अगर यदि MECC की टीम पहले गेंदबाजी करेगा तो मैच थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि इनके गेंदबाज भी लेने होंगे। तो 1, 2, 3, ये 3 को तो पिक करना होगा। इस मुजीब ओपन भी आता, ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेता, साथ में 1 ओवर डाला, तो थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना होगा, बल्लेबाजी में 1 के ऊपर ही सोचना चाहिए। कुल मिलाकर 1 KC सीमा, बाकी जो चल गया वो भाग्य वाली बात है, बाकी सब एक जैसा है, खास रिकॉर्ड है नहीं, बल्लेबाजी ज़्यादा खास कर पाता नहीं है, तो याद रखना। इनके टीम पे होगा एक अनुभव है इनके पास KE जजाई के ऊपर, लेकिन ये अभी तक कुछ खास कर ही नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा देखना होगा। जी हाँ मेरे भाई, ज़्यादा इस मैच में है नहीं जो इंपॉर्टेंट मुझे बताना चाहिए, वो चलिए डायरेक्ट बताता हूँ, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना मेरे भाई, कुछ जानकारी लेना हो इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, इन सभी का सुविधा है हमारे पास। कुल मिलाकर मैं ये टीम बनाया, लेकिन यहाँ से एक चीज़ क्या समझना है, एन इकबाल ओ जजाई, इन दोनों में से कोई एक गेंदबाजी करेगा, तो अगर यदि आपको लग रहा है कि ओ जजाई गेंदबाजी करेगा तो एन इकबाल को यहाँ से ड्रॉप करके इनके जगह किनको पिक करना है मालूम है, KE सीमा एक ऑप्शन हो गया, एक ऑप्शन यहाँ से इस मुजीब भी होगा, क्योंकि एक ओवर इन्होंने डाला था, 2 यहाँ पर GL का टीम बन सकता है अगर यदि एक प्लेयर को ड्रॉप करते हो तो। बाकी यहाँ से गेंदबाजी के तौर पर देखोगे तो एड्रेस जरूर किया, लेकिन खास नहीं, वो 2 के ऊपर जा सकते हो, खासकर KE सीमा के ऊपर जा सकते हो। अगर यदि आपको लगता है कि नहीं वो जजाई गेंदबाजी नहीं करेगा, एन इकबाल करेगा, तो एन इकबाल को यहाँ पर पिक कर लेना, और वो जजाई की जगह KE सीमा, एस मुजीब, ऐसे करके प्लेयर रोटेट करोगे ना मेरे भाई, टीम काफ़ी ज़बरदस्त बनेगा। अब देखो कैप्टन VC का तगड़ा ऑप्शन क्या होना चाहिए, देखो कैप्टन लोग गए हैं ये अफगान के ऊपर, हाँ ठीक है प्लेयर बुरा नहीं है, लेकिन मेरे भाई इनसे ज़्यादा बेहतर है जो मैं 2 को बना के रखा हूँ।
अब नाच चले वो अलग की बात है, लेकिन ये दो बेहतर है मेरे भाई। तो यहाँ पर कैप्टन भिसिक ऊपर रिस्क रहेगा, रिस्क कुछ नहीं, जो बेस्ट है बेस्ट, लक साथ ना दे वो अलग की बात है। इन दोनों भी कैप्टन भिसिक का तगड़ा ऑप्शन रहता है, दोनों बल्लेबाजी लास्ट सीजन करता था, ओपन से ही फिनिश करता था और उस टाइम ऐसा ली गेंदबाजी करता था दो ओवर, लेकिन इस सीजन नहीं कर रहे, तो इनसे बेहतर कैप्टन भिसिक कोई नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं, ये टीम सेव करके रखो, इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इन्वेस्ट क्या करना है, लाइनअप एक घंटा पहले होता है, 20 मिनट पहले मैं बता दूंगा जीएल का कॉम्बिनेशन किस प्रकार बनाना है, स्मॉल लीग क्या खेलना चाहिए, देखो लाइनअप के बाद अपडेट करूंगा, अभी स्मॉल लीग कोई भाई मत खेलना, टाइम को देखते हुए, मैच को देखते हुए और खासकर T10 को देखते हुए। तो आशा करेंगे भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए, आप लोग भी भगवान से दुआ करो, और फिलहाल के लिए वीडियो को भी समाप्त करता हूँ।